अस्सलामुअलैकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही प्यारे खूबसूरत दिन के साथ शुरू हो रहा है। रुके ज़रा, सब्र करें, बताती हूँ सब कुछ के दिन कहाँ से शुरू हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अचानक से जो है वो मैं बाहर आ गई और मैंने ये अजीब व गरीब सी क्लिप आपको दिखा दी। हाँ जी बिल्कुल, दिन तो शुरू हो चुका था मेरा, लेकिन मैंने इसका जो है वो इंट्रो रिकॉर्ड नहीं किया था। इंट्रो मैंने शाम को रिकॉर्ड किया था, तो फिर मैंने सोचा पहले आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दूँ आज के दिन से। सो उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैं अपने लिए जो है वो ले रही थी गन्ने का जूस, क्योंकि बहुत शदीद तपती हुई जो है ना गर्मी में ना मुझे बहुत सख्त प्यास लगी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने खाने पीने का क्या तमाम करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक बाइट भी यहाँ से घर से जब मैं गई थी तो मैंने नहीं लिया कुछ भी खाने पीने में मैंने नाश्ता नहीं लिया था। मैं जल्दी में निकली थी और यहाँ आप देख रहे होंगे खान भाई तीन लोगों का बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो दो किसी और का था और मेरा सिर्फ एक ही था क्योंकि मैं अकेली थी। और ये देख सकते हैं आप कि मुझे बहुत ज़ोर के हाथ पर लगी भी थी, तो मैं वो अपना हाथ भी दिखा रही थी जो कि मुझे रास्ते में ही लगी थी, इस वजह से मैं उसको जो है वो कैप्चर करी थी। और यहाँ मैं अब प्रूफ मिल गया आपको कि मैं अपना ही ले रही हूँ। जस्ट वो दो खान भाई साथ खड़े थे, उनको भी चाहिए था अपना अपना, देन वो उनको दे रहा था और मैंने अपने पैसे यहाँ बुरी हालत बनी हुई है निकल आई, लिटरली इतनी बुरी कि मैं बता नहीं सकती। और अभी मैंने फ्रेश जो है वो जूस एक मिनट रोड क्रॉस कर लूँ, आई टॉक टू यू एवरी वन। हाँ तो अभी मैं आई हूँ मेट्रो पे और मेट्रो से अभी मुझे जाना है आगे, और इतनी सख्त गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग भी कर लेते हैं और मेरे मुंह से पता चल रहा होगा, ऊपर से मैंने जो बाल खोले हुए ना ये और इरिटेट कर रहे हैं मुझे। तो सुबह से मैंने ना नाश्ता भी नहीं किया गाइस, और अभी स्टिल हो गए हैं 4 o'clock, 4 बज गए हैं और मुझे हाथ भी नहीं पकड़ा जा रहा, बाद में मिलते हैं। हाँ तो मुझे हाथ इसी वजह से नहीं पकड़ा जा रहा था क्योंकि मैंने अपने उल्टे हाथ से जो है वो ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई थी, लेकिन अभी जो है वो हम साजत पीते हैं और अपना कॉइन लेते हैं और अपने सफ़र को जाते हैं और उसके बाद घर जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, इतनी ज़्यादा थक गई, मुझे छोटा सा काम था लेकिन छोटे से काम मुझे इतना लंबा किया है ना को बता नहीं सकती, और बस बहुत इरीटेट हो रही हूँ फिलहाल। तो अभी कॉइन्स वो गाइज मैंने ले लिया है, लेकिन मेट्रो के अंदर जो है वो खाने पीने की अशिया को लेके जाने नहीं देता, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से करते हैं फिनिश, फेंकते हैं डस्टबिन में फिर चलते हैं। हमारा हो गया फिनिश, इसको फेंकते हैं डस्टबिन में। इसको तो मेट्रो, और आज इस मेट्रो का जो है वो सीढ़ियाँ कह रही हूँ, लिफ्ट भी बंद है, सभी सीढ़ियों से जाना पड़ेगा और मेरा जूता इतना डेंजरस है कि मैं एक दफ़ा इससे फिसल चुकी हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि मेट्रो पर मेरा मजाक बने और मैं फिर से फिसलूँ। सो बहुत गर्मी है यार, अभी 2 मिनट रुकना पड़ेगा मेट्रो के आने का, वेट करना पड़ेगा। सो आती है तो फिर चलते हैं। यहाँ पे जी मैं मस्त एसी के नीचे बैठी हुई थी सुकून से, 10-15 मिनट में वेट पे बैठी हुई थी। मुझे उनकी एचआर ने कहा था भैया आप वेट करें, तो मैं वेट पे बैठी हुई थी और कोई बहुत ही मेरी उसने हालत खस्ता देख के ना उसने फुल एसी लगा दिया 25 पे जनाब, कि भाई मैडम आप तो वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी में आई हैं, तो आप थोड़ा सुकून करें और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो फिर मैंने सुकून किया और मुझे सुकून आया। तो गाइस आखिरी वाली स्टेशन से बैठने का नाम यही बेनिफिट होता है कि आपको जगह मिल जाती है, मुझे भी जगह मिल जाएगी और वो इतनी मज़े वाली जगह दिखाती हूँ। अगर मेट्रो पे आपको ये वाली सीट मिल जाए तो मतलब कि सोने पे सुहागा होता है, कि वहाँ आप अपने अच्छे से पाँव भी रख सकते हैं और सुकून से बैठ भी सकते हैं। और जो लोग जो लोग मेट्रो पे हर स्टेशन से चढ़ते हैं मेट्रो पे, उनका रश भी आपके ऊपर नहीं होता। अगर आप उस दूसरी वाली साइड पर आप अगर बैठते ना, तो भाई वो कोई जनाब इतना रश होता है, इतना रश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लिटरली उस पर बहुत रश होता है। तो अब मतलब यहाँ पे अगर आपको सीट मिल जाती है ना, तो भाई बहुत बेहतरीन सीट है। भाई
से ना मुझे पता था कि मुस्कान ऐसी भूखी बैठी हुई होगी, इसलिए मैंने उस रस्ते से जो है वो उसके लिए दाल चावल और अपने लिए दाल चावल ले लिए थे, क्योंकि घर आके पकाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही प्यारे खूबसूरत दिन के साथ शुरू हो रहा है, और अभी दिन तो नहीं है, ऑलमोस्ट शाम के बज गए हैं 6:30 है। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैं ऊपर आई थी मौसम इंजॉय करने, आजकल मज़ेदार वाली बारिशें हो रही हैं, फ्रेश अप हुई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं, क्योंकि नीचे बहुत 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 ज़्यादा वाली गर्मी है गाइस, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई नीचे इतनी गर्मी क्यों है, हालांकि ऊपर मौसम अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है यार। और बाल मेरे थोड़े से फ्रिजी हुए हुए थे, इसलिए मैंने रात को की थी इनमें ऑयलिंग, और मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी, दिखाऊँगी नीचे जाके। और उसके बाद मैं लॉरियल पेरिस वालों का एक सीरम है कुछ दिनों से वो यूज़ कर रही हूँ, उससे मेरे बालों के जो अंदर डैमेजेस थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हद तक रिपेयर हो चुके हैं, और मुझे काफ़ी अपने बाल सॉफ्ट सॉफ्ट शाइनी शाइनी फील होते हैं। बस ये थोड़ा सा बम फटा हुआ रहता है, इनका भी हल जल्दी ही निकालते हैं, वो बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि उसका हल क्या है। तो अभी जो है मज़ा आ रहा है, खूबसूरत सा मौसम है, मैंने सोचा सबसे पहले इंट्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे व्लॉग चलेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अभी मुस्कान जब वो बोर हो रही है, देन अभी मुझे कुछ छोटी मोटी भूख भी लग रही है, यू नो व्हाट, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या खाऊं और क्या पकाऊं। उसका आज क्या खाएंगे? चावल। ओके तो गाइस उस दिन भी मैंने छत पे व्लॉग बनाया था यार। आजकल ना जब ऐसा मौसम होता है ना, तो फिर मैं दिल करता है मैं भी आ जाऊँ, तो मैं भी आ जाती होती हूँ। देन अभी जो है वो मैं सुकून फरमाऊँगी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। भरने के बाद हम खाना खाने आए हैं, क्योंकि हमारी गैस चली जाती है जल्दी, और आज कुछ भी नहीं बनाया था, इस वजह से हमें आना पड़ा बाहर खाना खाने। तो ये रही मुस्कान, ये रही सना, और ये रहा हमारा मेन्यू, जो कि हमारे घर के विंग और लेग पीस, लेग पीस ठीक है, कोल्ड ड्रिंक सेवन अप मेरी एक कोक है, पेप्सी दे दे। यार इतना चलता नहीं है ना शायद, कम लोग आते हैं ना, ना? ये अभी से करके चलता नहीं अभी सिर्फ, तो अभी जो है हमारा चीज़ें वगैरह आ गई हैं, लेकिन हमारा मेन कोर्स अभी बाकी है, राइट, इसीलिए हम आपको इधर ही लाए। सो हमारा खाना आ गया है, चम्मच नहीं आए है ना, अभी चम्मच आएंगे तो हम तब खाएंगे। आते भी तो देते हैं चार चार, ठीक हो जाता है हमारे घर में, गर्मी नहीं है। खा लिया खाना, बताया वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो दिन है वो अलविदाई दिन है, मुस्कान आ जा रही है, मुस्कान जा रही है, खुशी हुई है, खुशी हो रही है, मैं यहाँ हमें दुख हो रहा है, समझ नहीं आ रही उसका फाइनली आप जा रही हैं, तो आप मुझे मिस करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, इनका दिल तो नहीं है जाने को, लेकिन मजबूरन पापा आ चुके हैं इनको लेने के लिए। तो फाइनली आज के दिन के मुझे जा रही है। अच्छा तो फिर मुस्कान की बर्थडे भी नज़दीक आ रही है ना मुस्कान? इट्स ओके, हम बर्थडे ज़रूर मनाएंगे मुस्कान से, आप जा रही हो जाने, थोड़ा सा रोल 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 रोते नहीं मैं मुस्कान को मैं से मिल रही हूँ, जैसे इतने ऊपर ऊपर जा रही है अलग। हाँ तो मोबाइल हटाएगा यार, मोबाइल नाल ही ले के हाथ से दिल नहीं लगता यार। अच्छा यार
सीन कुछ इस तरह से है यार, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए अच्छी आई थी। तो सीन कुछ इस तरह से कि आज बहुत ही दिनों के बाद मुस्कान जो है वापस जा रही है, सो फील भी होगा तो क्योंकि थोड़ा वीराना फील होगा मुझे, लेकिन इट्स ओके, जाना तो था ही। तो अभी कुछ दिनों के बाद मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह सून, क्योंकि ईद आ रही है। तो अभी जो है वो इसको भेजेंगे, अभी अपनी तैयारी शेयरी करी है, पैकिंग शेकिंग कर रही है, फिर मिलते हैं आपसे। मुस्कान इज गोइंग, मुस्कान रेडी हो चुकी है और घर को रवानगी के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी मुस्कान लग जाएंगे, मुस्कान को हम मिलते हैं। जो मुस्कान अल्लाह हाफिज़, बहुत तो मैं याद करूँगी, सुबह 3 बजे कोई उठता नहीं था, फिर कोई खाना नहीं खाता था, 4 हो जाते थे, है ना। तो रात को 3 बजे भूख लग जाती थी। हाँ, रात को 3 बजे भूख लग जाती थी और फिर गैस भी नहीं होती थी, ये भी रोना होता था। तो अभी मुस्कान हमें याद करेगी जाके बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताओ, तुम बोर हुई हो यहाँ पे या नहीं? पहले फर्स्ट दिनों में तो पहले दिनों में हुई हो, उसके बाद तो अब दिल ही नहीं कर रहा घर जाने में, अब दिल नहीं कर रहा। देखो जो मेरे पास आता है उसका दिल लग जाता है ना। नमस्कार, चलो गुड बाय।